तो आज का लेक्चर है 9th क्लास वालों के लिए, ठीक है। हम एक ऐसा न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो मतलब एक बिलियन है, ठीक है, उसका जो भार है वो 320 ग्राम है, ठीक है। मिलाई जन में, मिलाई जन में 40 ग्राम साधारण मतलब विलय है, तो विलय की सांद्रता को निकल करना है। तो हमें क्या करना है, विलय की सांद्रता हमें दिया गया क्या है, मैंने तीन सूत्र बताए थे, उन तीन सूत्रों के माध्यम से अगर मुझे करना है तो विलय से विलय है। सबसे पहले क्या होगा, विलय पदार्थ, जो विलय पदार्थ है, विलय पदार्थ क्या है, विलय पदार्थ क्या है, आपका नमक है और इसका वजन क्या है, 40 ग्राम। जो विलय पदार्थ है वो 40 ग्राम है और विलय जो है, विलय जो पदार्थ है वो है 320 ग्राम, ठीक है। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, हमें क्या निकालना है, विलय की सांद्रता। तो हम लोग क्या करना है, विलय की सांद्रता का सूत्र या विलय की सांद्रता निकालनी है। विलय की सांद्रता आपको क्या मिला है, ज्ञात करना है। तो विलय की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, विलय का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान क्या होता है, विलय का द्रव्यमान अपने को सबसे पहले विलय का द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान पहले क्या होगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये द्रव्यमान है, ये क्या है, ये द्रव्यमान है, ठीक है, और ये भी द्रव्यमान है, ये विलय पदार्थ का है और ये विलय पदार्थ का है। फर्क देखिए, मैंने बताया था पहले वीडियो में विलय क्या और विलय क्या है। तो विलय पदार्थ क्या है, 40 ग्राम, विलय पदार्थ है 320 ग्राम। तो पहले विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलय पदार्थ का द्रव्यमान। तो हम इसको अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, 40 प्लस 320, 40 प्लस 320 कितना होता है, 360, ये हो गया आपके विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का, तो ये नीचे हो गए, सॉरी ये विलय है और ये विलय है, ये क्या है, विलय है, ये भी विलय है, ये भी मिलाए, ठीक है, और ये भी मिलाए हो गया, ठीक है। विलय, विलय और विलय तीन चीजों, तो विलय का हम द्रव्यमान आ गया 320 और प्लस 40 हो गया 360 ग्राम, तो हो गया आपके पास विलय का द्रव्यमान। अब हम विलय का द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करना है, किसमें करना है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करना है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो मैंने सूत्र बताया था, सूत्र कौन सा था, देखो विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान इनटू 100 हम इसको लिखेंगे। तो अपने पास क्या है, विलय का कितना है, विलय पदार्थ का कितना है, 40 है, 40 और विलय का कितना है, 320, तो 40 बटा 320 इनटू 7। तो क्या करना है, एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं, ये बचा 400 और ये हो गया 32, कितना हो रहा है, समथिंग आएगा आपके, समथिंग आएगा 11.11%। तो ये हो गया आपका विलय पदार्थ का द्रव्यमान आ रहा है, आपका या 500 होगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना आ रहा है, विलय पदार्थ का
द्रव्यमान। विद्युत बाजार द्रव्यमान आ गया आपसे m.1/t। तो इस तरीके से आपको कोई भी अगर न्यूमेरिकल आया इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सरल है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। आगे हैं तो ये तो मिश्रण हो गया। अब आप पढ़ेंगे जो मिश्रण है वो किस टाइप के होते हैं और क्या हम उन मिश्रणों को पृथक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर पृथक कर सकते हैं तो हम कैसे अलग अलग, जब कोई भी वस्तु है, कोई भी धातु है, कोई भी पदार्थ है, वो अलग 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 पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो दूध से क्रीम निकालते हैं, आप देखते हैं मार्केट में दूध आता है, पैकेट में दूध आता है, उसके अंदर क्रीम निकली हुई होती है। क्रीम क्या करते हैं, वो जो डेयरी वाले होते हैं क्रीम पहले पृथक कर लेते हैं। उसको पृथक करने का क्या कारण है वो देखते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, अक्षयंजित कोई भी होता है, अक्षयंजित दूध होता है वो उसमें अलग बहुत अलग है। और जब उसको तेजी से घुमाया जाता है, उस विधि को छानने की विधि है, तो वो तेजी से घुमाया जाता है तो वो पर्तन करता है, वो अलग हो जाता है। और जो हल्के का